जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। तो मैं संजीव भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं FST नंबर 56। तो बेटा, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर SP सिंह सर का एक मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी के तहत हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं। और बेटा, एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहते थे कि 30 अप्रैल को हमारे यहाँ एक नया रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है नीट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, जो नीट 2025 देना चाहते हैं। तो ये बेटा 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ये स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बैच है और हिंदी मीडियम बेस्ड है। और ये हम जो आज का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस का वेटेज है। और इसमें देखिए, हमने हर तरह के चैप्टर से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर हमारा NCERT 11 का, उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। और इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन है, 52 82, एंड केमिकल बॉन्डिंग से 6 क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक में काफ़ी सारा सिलेबस डिलीट हुआ है, तो बॉन्डिंग का वेटेज अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग ने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनमिक्स, इक्विलिब्रियम सब आपका है। और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन है। IUPAC भी हमारे NCERT में एक तरह से मैकेनिज्म में ही आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इस तरह से हाइड्रोकार्बन से 5 है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन से अगर अल्कोहल बन रहा है तो वो अल्कोहल का भी क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का भी क्वेश्चन है, तो हम ऐसा पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे फर्स्ट 24 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारा बेटा इसमें देखिए काइनेटिक्स का है 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन के 2, डी एंड एफ ब्लॉक 2, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का वेटेज अच्छा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 5 क्वेश्चंस, और सो ऑन आप देख सकते हैं। तो हम लोग ने कोशिश किया कि सभी पेपर को बैलेंस बनाएं और सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें हम लोग रखें। तो अब चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है। ये कैसा है क्वेश्चन, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, हम लोग इसको देखते हैं। 25 ml ऑफ द गिवन HCl सोल्यूशन, एक HCl सोल्यूशन गिवन है और ये HCl सोल्यूशन बेटा जी 25 ml हम लोग ने लिया हुआ, और ये 25 ml ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट कर रहा है या टाइट्रेट किया जा रहा है, और कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन। अब यही सेम HCl बेटा हमने लिया, जिस कंटेनर में हमने HCl, जैसे एक बॉटल हमारे पास HCl की थी, उसमें से पहले 25 ml निकाल के ये रिएक्शन करा ली, उसके बाद उसी बॉटल में से फिर से HCl विड्रॉ किया। और अब कह रहा है कि इस HCl को जब हमने विड्रॉ किया तो इसके कितने वॉल्यूम हमारे खर्च होंगे एक दूसरी रिएक्शन के लिए, एक दूसरे टाइट्रेशन के लिए। और वो दूसरा टाइट्रेशन क्या था, उसमें 0.2 मोलर 30 ml NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, हम इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं या टाइट्रेशन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग अब क्या करते हैं, 2 बार हमें टाइट्रेशन की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अच्छा, अगर वॉल्यूम ml में चल रहा है तो आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट में सॉल्व कर लो। तो हमने मिलीग्राम इक्विवेलेंट में इसको सॉल्व किया, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, बट यहां मुझे मोलैरिटी गिवन है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम, M1N1V1 इक्वल टू M2N2V2,
ऐसा कर लेता हूँ, अब वैल्यूज पुटअप कर लेता हूँ। वैल्यूज देखो, HCl का मेरे को 25 ml मालूम है, तो मोलैरिटी मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, HCl में एक एच होता है तो वैलेंसी फैक्टर 1 है। वॉल्यूम मुझे कितना लेना था, 25 ml, तो 25 ml ले लिया। मोलैरिटी Na2CO3 की 0.1 है। Na2CO3 में जब हम लोग आयनाइज करते हैं तो कार्बोनेट पे 2 माइनस चार्ज आता है, या Na पर 1 प्लस आता है, और 2 Na है तो टोटल +2। तो किसी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर उसके टोटल प्लस या टोटल निगेटिव चार्ज के बराबर होता, तो इसका बेटा 2 हो जाएगा। और वॉल्यूम इसका मेरे को कितना गिवन है, 30 ml। इस तरह से इस टाइट्रेशन से मैंने HCl की मोलैरिटी निकाल ली। तो मोलैरिटी मुझे HCl की कितनी मिल गई, ये हो जाएगा 3 × 6, 6/25 मोलर HCl। दैट मींस ये जो HCl था इसकी मोलैरिटी थी 6/25। अब मुझे इसकी मोलैरिटी पता है, इसका वॉल्यूम निकालना है, और इसकी मोलैरिटी और इसका वॉल्यूम पता है, तो एक बार मुझे फिर से टाइट्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक नया पेज ले लेते हैं, और अब हम लोग ने लिख दिया है मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब ये हम लोग सेकेंड टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइट्रेशन से हमने HCl की मोलैरिटी निकाल ली थी, फिर से फॉर्मूला वही लगाइए, M1N1V1 इक्वल टू M2N2V2, M1N1V1 इक्वल टू M2N2V2। अब इसमें क्या करिए कि मोलैरिटी तो मैं अभी आपको 6/25 लगा के दिखा चुका हूँ, HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, वॉल्यूम आपको निकालना है, इसकी मोलैरिटी NaOH की आपको यहाँ पर दी हुई है, देखिए 0.2 मोलर, तो यहाँ पे 0.2 कर लिया। NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, वॉल्यूम NaOH का देखते हैं 30 ml दिया हुआ, तो यहाँ पर 30 यूज कर लिया। इस तरीके से ये 6 हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 6 × इसका, ये 6 × 25 यहाँ से गया अपॉन 6, दैट मीन्स 25 ml, 25 ml। तो जो हमारा HCl का वॉल्यूम है सर, वो आ गया है 25 ml। तो देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ है 25 ml, ये फोर्थ ऑप्शन में 25 ml है। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम बताना, बहुत अच्छी, आपको फॉर्मूला पता होगा एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर केवल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, यहां पे मुझसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछ रहा। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, NH/2π। वैसे एंगुलर मोमेंटम को MVR कहते हैं, तो MVR इक्वल टू NH/2π आपने पढ़ा। अब जरा वैल्यू देखिए सर, एन किस ऑर्बिट की बात कर रहा, फोर्थ ऑर्बिट की, तो एन की जगह पे 4 हो जाएगा, तो 4H/2π, 4H/2π हो जाएगा। अब 4H/2π हो गया तो कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया 2H/π। तो 2H/π कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड बहुत इजी था, बहुत जल्दी निकल आया, सेकंड आ गया डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक ऑफ Cn-। चलिए सर, Cn- में आप पहले टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपने देखा कार्बन के होते हैं 6, नाइट्रोजन के 7, और एक माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आए। अब इसके दो रास्ते हैं, पहला रास्ता तो ये है कि N2 जो होता है उसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N2 के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, Cn- के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और N2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर सर क्या होता है, 3 होता है, और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है, तो यहाँ पर 3 है तो Cn- का भी 3 होगा। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर आ रहा है, 10, 16, 32 को छोड़कर,
हम लोग कहेंगे वो डायामैग्नेटिक होगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और डायामैग्नेटिक होगा। 53 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। या अगर आपको ऐसे नहीं पता है नाइट्रोजन का, तो आप फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, Cn- के टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो 14 का आप कॉन्फिगरेशन लिखेंगे σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px2, π2py2, σ2pz2। ये बेटा हमने कॉन्फिगरेशन लिख लिया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 इलेक्ट्रॉन है और सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक तो हो ही गया। अब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 बॉन्डिंग हो गया, 4 बॉन्डिंग हो गया, 6, 8 और 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 हैं, अपॉन 2, 6/2, दैट मीन्स 3। तो ऐसे भी कर सकते हो, जिसको जैसा आता हो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज मांगा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज का एक फॉर्मूला होता है, Δs 2.303 nR log V2/V1। सर ये फॉर्मूला होता है हमारा। इसमें ध्यान रखिएगा, जो वर्गडन का आइसोथर्मल रिवर्सिबल में फॉर्मूला होता है, वर्गडन और एंट्रोपी चेंज में एक डिफरेंस है। वर्गडन में -2.303 होता है, यहाँ +2.303 होता है। वर्क डन में टी भी रहता है, टेम्परेचर भी, यहां पर टी नहीं होता है, बस इतना डिफरेंस इसमें होता है। अब वैल्यूज रख दो और सॉल्व करके निकाल लो, तो Δs = 2.303 आ गया। और उसके बाद एन देखिए, मोल कितने गिवेन है? मोल 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 2 मोल्स, तो 2 मोल्स रख दिए। आर की वैल्यू जब रखना होता है तो यूनिट देखते हैं, क्या यूनिट है? जूल है, तो जूल है तो 8.314 रखेंगे। अगर कैलोरी होता तो 2 रख देते। उसके बाद फिर क्या आ गया? आर के बाद लॉग V2, V2 कितना है? V2 बाद में कितना आ रहा? 90 डेसीमीटर क्यूब, और पहले कितना आ रहा? 10 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मीन्स लीटर, और उससे फर्क नहीं पड़ता, यूनिट क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चा, तो इसको सॉल्व करना आसान है। जैसे कि ये हम लोग यहाँ पे 2 3 6 0, 2 3 6, 2 2 4, ये तो हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, और 8.314 into log 9 log 9। अब ये सब आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें हमारा समय चला जाएगा। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करके लाओगे तो आपको 36.5 जूल पर मोल आंसर मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया। ओके सर, ठीक है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज यानी कि स्मॉल डब्लू ग्लूकोज सॉल्यूट होता है, तो सॉल्यूट 18 ग्राम दिया गया, और इसको हम लोग ने 178.2 ग्राम वाटर में ऐड किया, तो ये कैपिटल डब्लू यानी ये सॉल्वेंट का वेट है 178.2 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन में समझ लो क्या है। यहाँ पे आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करें, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यह है कि आप एक कंटेनर में पानी ले लीजिए और पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और गैस बर्नर पे चढ़ा दीजिए और उसको हीट करते जाइए। पहले तो पानी सिंपल शांत रहेगा, थोड़ी देर बाद पानी बबल करने लगेगा। जब पानी पूरा उबलने लगेगा और उससे पूरी तरह से भाप निकलने लगेगी, तो उसमें आप एक चम्मच शक्कर डाल दीजिए,
जब आप एक चम्मच शक्कर डालेंगे तो बबलिंग खत्म हो जाएगी। रीजन क्या होता है, जब हमारा वाटर का वेपर प्रेशर 760 mm तक पहुंच जाता है तो सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं। ग्लूकोज या शक्कर आपने डाली, ये नॉन वोलाटाइल है, तो कुछ सरफेस पे पार्टिकल ग्लूकोज के हो जाएंगे। अब ये उड़ेगा नहीं, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ रहे थे वो कम होंगे, तो उनका प्रेशर घट जाएगा। तो जो हम लोग बोलते हैं ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, असल में वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है, वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही होता है इन सॉल्यूशन। तो इसका मींस ये है कि वो मांग रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि ये मुझे पीएस निकालना है, पीएस निकालना है। आप कहेंगे पीएस निकालना सर, पी नॉट क्या? जैसा अभी मैंने बताया कि जब आप गर्म करते रहोगे पानी को तो पानी उबलने लगेगा 100 डिग्री पे, और 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर 760 mm हो जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ये बच्चा आपको खुद पता होना चाहिए कि ये 760 mm होगा। अगर यहाँ पर एमएम नहीं है, टॉर है, तो इसी को 760 टॉर कहेंगे। एमएम और टॉर बराबर होता, 1 टॉर इक्वल टू 1 mm होता। अगर यहाँ एटीएम होता तो हम 760 ATM कर लेते, जो भी जैसी यूनिट होती उस यूनिट में हम काम करते। अब ये 760 mm या 760 टॉर दिया, पीएस निकालना है। आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और जो स्मॉल एन होगा उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम, और फिर स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू बाय कैपिटल एम। अब इसमें एम का भी इन्वॉल्वमेंट होने लगा, तो एम के लिए बता देना चाहता हूँ, सब बच्चे जानते होंगे कि एम फॉर ग्लूकोज 180 होता और एम फॉर वाटर 18 होता। अब बस मुझे क्या करना है, वैल्यूज वैल्यूज पुटअप करनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए स्मॉल डब्ल्यू मेरा कितना था, 18 था, तो 18 अपॉन इसका मोलर मास 180, 18 अपॉन 180 प्लस डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू कैपिटल 178.2 और अपॉन 18। सॉल्व करोगे यहां 0.1 आ जाएगा, ये भी 0.1 होगा, ये 9.9 होगा। फिर से सॉल्व करोगे तो ये 9.9 और 0.1 10 हो गया, तो ये 0.01 आ जाएगा। और ये जो हमारा पी नॉट है, जैसा कि हम डिसाइड कर चुके 760 है, तो 760 माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू 0.01। सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे जगह खाली है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 760 माइनस पी एस इक्वल टू 0.01 पी एस। ये पी एस उधर ले जाओगे तो 1.01 पी एस इक्वल टू 760, तो पी एस इक्वल टू 760 अपॉन 1.01। तो 760 अपॉन 1.01 अगर लगा देते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, हम लोग कर लेते हैं 760 डिवाइडेड बाय 1.01, 752.47 आ रहा है, 752.47। हालांकि यहाँ 40 हुआ लेकिन इतना नियरेस्ट चलता है। तो आंसर सर मुझे करना है फोर्थ, तो 55 का आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। मिलाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एम एक्स फोर, रिलेशन बताना के एस पी और सॉलिबिलिटी में। तो देखो एक तुम्हें बता दे रहा हूँ तरीका, मान लो हमारे पास
ये सॉल्ट है MXA AXBY। तो AXBY में अगर तुम्हें KSP और S का सॉलिबिलिटी का रिलेशन चाहिए तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है KSP इक्वल टू ये जो X है इसकी पावर X करेंगे, फिर जो Y है वो Y की पावर Y करेंगे, फिर जो सॉलिबिलिटी है उसकी पावर X प्लस Y करेंगे, ये रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को किसके लिए निकालना, हम लोगों को निकालना है MX4 के लिए। तो MX4 के लिए निकालते हैं, तो MX4 मतलब ये समझ ले M1X4। तो इसके लिए KSP का वही फॉर्मूला लगाइए, पहले ये देखो जो एक्स की जगह पे वन लिखा है तो वन की पावर वन, फिर फोर की पावर फोर, फिर सॉलिबिलिटी की पावर वन प्लस फोर। सॉल्व करो तो वन वन ज़ा वन और फोर फोर ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64, 64 फोर ज़ा 256, 256 एस की पावर 5। अब ये हम लोग ऐसे लिख लें एस की पावर 5 इक्वल टू KSP अपॉन 256। तो फाइनल रिलेशन मेरा क्या आ गया, फाइनल रिलेशन आ गया सॉलिबिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन 256 की पावर 1/5। ऐसा कोई है, फोर्थ ऑप्शन है KSP अपॉन 256 की पावर 1/5। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखिए इस क्वेश्चन में ये कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन है, मुझसे कह रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव चाहिए मुझे, तो क्या शर्त सही होगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव चाहिए। अब आपको तो पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NFE, डेल्टा जी इक्वल टू -NFE, ये तो आप जानते ही हो। इसका मींस ये हुआ कि अगर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी चेन निगेटिव चाहिए तो ई बेटा जी कैसा चाहिए होगा, ई मुझे पॉजिटिव चाहिए होगा, और ई पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी निगेटिव आएगी। अब ई पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना होगा, चलिए पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये सी यू लीजिए और ये सी यू बदल रहा है Cu2+ में, और इसका जो मोलैरिटी है वो C1 है, और फिर Cu2+। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देने के लिए हमने ऐसे डैश बना लिया। ये Cu2+ इसकी मोलैरिटी C2 है और ये बदल रहा है Cu- में। ये हमारी इक्वेशन सेल इक्वेशन आ गई। अब इसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी, E = E₀ - 0.0591/n log प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अब ये जो कंसंट्रेशन सेल होता है जिसमें कि दोनों हाफ सेल यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल सेम मटेरियल के बने होते हैं, उसके लिए याद रखो कि E₀ 0 होता है। अब याद रखो या प्रूव भी कर सकते हैं, अब तक तो तुमने सीख ही लिया होगा। तो E₀ 0 होता है -0.0591/n, n की जगह पे आप कुछ भी रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, log। और यहां पर देखो चार्ज सेम थे तो यहां पर वन वन था सब जगह, तो लॉग Cu2+ ऊपर आएगा यानी कि C1, और Cu2+ डैश नीचे आएगा यानी कि C2। अब अगर आप चाहते हो कि E+ आए, यहां तो E निगेटिव आ रहा है, अगर आप चाहते हो E+ आए तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं E=, और ये वैल्यू बदल देते हैं ऊपर नीचे कर देते हैं, तो 0.0591/n log C2/C1। तो जब C2/C1 करोगे तो निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें एक खतरा है और वो खतरा ये कि अगर C1 बड़ा है और C2 छोटा है तो ये फिर से
लॉग वन से अगर छोटी वैल्यू ली तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब 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 सी वन से बड़ा हो सी टू, तो ई आएगा पॉजिटिव। अब आप ये देखिए, कह रहा सी वन और सी टू बराबर हैं, अगर ये बराबर हो जाएंगे तो लॉग वन जीरो हो जाएगा, तो यहां पर जीरो हो जाएगा ई, तो ई जीरो हो जाएगा तो हमारा डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा, तो काम बिगड़ जाएगा। फिर ये कह रहा सी टू की जगह पे सी वन अपॉन रूट टू रख दे, तो सी टू की जगह पे अगर सी वन अपॉन रूट टू रखेंगे तो सी वन कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन रूट टू आ जाएगा। नीचे रूट टू बड़ा है, वन छोटा ऊपर, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, यानी समझ जाओ निगेटिव आ जाएगा ई। ई निगेटिव आ जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। सी वन बराबर टू सी टू, सी वन की जगह पे टू सी टू रख दिया, सी टू कैंसिल, फिर 1/2 आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा, तो फिर मेरा ई निगेटिव आने लगेगा। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा तो मेरा ई पॉजिटिव आएगा। अब अगर हम लोग सी टू की जगह पे अंडर रूट सी वन रख दें, चलिए ये कर लेते हैं, हम लोग ने अब कर लिया ई बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग, सी टू की जगह पे लिख दिया अंडर रूट टू सी वन अपॉन सी वन, सी वन से सी वन कैंसिल कर दो, ऊपर अंडर रूट टू आ जाएगा, रूट टू 1.4 समथिंग जो भी आएगा रख लेना, सॉल्व कर लेना, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा इसका, मींस फोर्थ वाला ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 भी चलते हैं, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, सब बच्चे जानते हैं कोवेलेंट करेक्टर की अगर हम लोग प्रोपोर्शनल कंडीशन निकालते हैं, मतलब डिपेंडेंसी निकालते हैं, तो ये चार्ज के मल्टीपल प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, एनायन के साइज के प्रोपोर्शनल और कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैटायन के साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर मुझे अब जैसे कि Q1 Q2 ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, इसका जो रिवर्स होगा यानी कि Q1 Q2 अगर कम होगा तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, तो आयनिक करेक्टर का रिवर्स क्या होगा? आयनिक करेक्टर Q1 Q2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैटायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एनायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम लोग मिलाते हैं, लो चार्ज, लो चार्ज होगा आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, अच्छा है भाई। कैटायन लार्ज, कैटायन, कैटायन का साइज बड़ा, आयनिक करेक्टर ज्यादा। स्मॉल एनायन, एनायन का साइज छोटा, करेक्टर ज्यादा है। तो 58 का फर्स्ट हो जाएगा। 59 पूछ रहा है कि वाइट फॉस्फोरस द पेयर इन विच, वाइट नहीं विच फॉस्फोरस एटम है वह फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। अब मुझे जो दिए गए हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी, लेकिन उसके पहले मुझे फॉर्मूला भी चाहिए होगा। तो ऑर्थो फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है H3PO3, H3PO3। तो H3PO3 में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगी, तो ये तो सही लग रहा, उम्मीद बन गई मेरी। पाइरोफॉस्फोरस एसिड, तो ये H4P2O5 होता, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा, तो यही वाला मेरा सही हो रहा है, फर्स्ट वाला। बाकी आप अगर आपको डाउट है तो आप इसमें और भी बना सकते हैं, जैसे पाइरो फास्फोरस, ये तो सेम आ गया, लेकिन ये आ गया हाइपो फास्फोरस, हाइपो फास्फोरिक आ गया। तो हाइपो फास्फोरिक का फॉर्मूला होता है H4P2O6, H4P2O6। तो H4P2O6 में +4 आने लगेगी, तो ये हो नहीं सकता हमारा। ऑर्थो फॉस्फोरस तो वही है,
हाइपोफॉस्फोरिक, तो ये भी नहीं होगा। पाइरोफॉस्फोरस एंड पाइरोफॉस्फोरिक, तो पाइरोफॉस्फोरिक H4P2O7 होता, यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो सर मेरा फर्स्ट ही सर्वसम्मति से सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पे जरा ध्यान दिया करो, इनकरेक्ट बताना। इनकरेक्ट बताने के लिए चलते हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन Mn(Br4)2-। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालिए, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 1s2 से स्टार्ट करिए, लास्ट में 3d5 आएगा, 3d5 आएगा, और ब्रोमीन वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो एस से स्टार्ट होगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 का शेप टेट्राहेड्रल होता है। ये सही है, लेकिन मुझे सही नहीं, मुझे तो इनकरेक्ट चाहिए। मेटल कार्बोनिल पजेस सिग्मा एंड पाई करेक्टर, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। जब मेटल कार्बोनिल से जुड़ता है तो कार्बन एक बॉन्ड मेटल को देता है, और उसी समय मेटल भी कार्बन को एक बॉन्ड वापस करता है। कार्बन मेटल को सिग्मा बॉन्ड देता है और मेटल कार्बन को पाई बॉन्ड देता है। तो मेटल कार्बोनिल सिग्मा और पाई करेक्टर रखते हैं, ये सही है। मेटल कार्बोनिल के बाद ये CoF6-3- इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल मीन्स D2sp3 होना चाहिए। तो चलिए जरा चेक कर लेते हैं, CoF6-3- में CO की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब 1s2 से स्टार्ट किया, लास्ट में 3d6 आएगा, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का 3d7, 4s2 होता था, तो 3 निकल गए, 4s2 0 हो गया, और 3d7 में 3d6 बचा, ये 4p खाली है इसके पास। अब क्योंकि फ्लोरो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग तो करेगा नहीं बॉस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एस से डोनेशन स्टार्ट होगा, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है इनर कॉम्प्लेक्स है, ये गलत हो गया, जो गलत हो गया। अच्छा ऑप्शन तो नीचे दिए होगा, यहां लिख ले रहा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू मेटल कार्बोनिल, डबल डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस तरीके से केवल थर्ड गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो थर्ड ऑप्शन को हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट बताना था और केवल थर्ड ही इनकरेक्ट हमारा आ रहा है। तो उम्मीद है आप इससे सेटिस्फाइड हो रहे होंगे। अब मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। फॉर्मल चार्ज निकालने का तो देखो, वैसे तो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है कि पहले हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, फिर माइनस उसमें हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्लस उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं, और फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसको ऐसे स्ट्रक्चर को बनाइए, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद कुछ ऐसा करिए कि इस पे ऑक्टेट पूरा हो जाए, चाहे आपको उसके लिए प्लस लेना पड़े चाहे माइनस लेना पड़े। तो अगर हम ओ पर बीच वाले पे प्लस रख दें तो ओ वैसे तो 6th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 6th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ओ पे हमने प्लस रख दिया तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रह जाएंगे, तो यहां पर 1, 2, 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर बच जाएगा। 2, 4, 6, 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ओ पे अगर हम एज्यूम कर लें अपनी तरफ से माइनस रख दें तो 2, 4
यानी ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ग्रुप का, एक माइनस आ गया तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्डिंग में लगा दिया, 6 यानी 3 लोन पेयर बच गए, एक इसने लगाया हुआ है, तो 2 4 6 ऑक्टेट पूरा। यहाँ वो डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ये सबके ऑक्टेट पूरे हो गए। अगर किसी भी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए और उस पर कोई चार्ज ना आए तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, और अगर कोई चार्ज आ जाए +1 तो उसका फॉर्मल चार्ज +1 होगा, अगर चार्ज आ जाए -1 तो फॉर्मल चार्ज -1 होगा। हम लोग ने ये एज्यूम कर लिया कि ये हमारा, आपने तो देखा ही है, ये हमारा 2 नंबर है, ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 3 नंबर है, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 होगा +1, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 2 होगा 0, और फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 3 होगा -1। अब आपको पूछा किसका, फॉर्मल चार्ज ऑन द एंड ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 3 3, तो -1 पूछा तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 62। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछ रहा है, ट्रू नहीं पूछ रहा, नॉट ट्रू। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, CN- है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NO+ है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो इसका मीन्स है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आयन्स होते हैं, ये देखो N2 मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है, CN- निगेटिव आयन, NO+ पॉजिटिव आयन, सब तरह के आयन और मॉलिक्यूल दे दिए, इनके बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होते हैं या सेम होते हैं, सही हो गई बात, लेकिन हमें तो नॉट ट्रू बतानी थी, तो हम इसको भी करेक्ट ऑप्शन नहीं मान सकते। HOH बॉन्ड एंगल वाटर में 104.5 है, याद होना चाहिए, सही है, कुछ बुक्स में 105 डिग्री भी लिखा रहता, लेकिन एग्जैक्टली 104.5 डिग्री होता। कैनोनिकल फॉर्म रेजोनेंस में रियल एग्जिस्टेंस रखते हैं, ये गलत बात हो गई, कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, रियल कंपाउंड उन सभी स्ट्रक्चर के बीच में कहीं रेजोनेटिंग हाइब्रिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। और BF2 क्योंकि लीनियर है इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देगा। फेरिक आयन, ठीक है, ये फेरिक आयन ले लिया और इसकी रिएक्शन K4FeCN6 से कराई, K4FeCN6 से करा दी, तो ये कह रहा है कि ये हमको पर्शियन ब्लू कलर दे देता, प्रशियन ब्लू कलर, तो ये प्रूशियन ब्लू कलर कैसे बनता है, यहां से आता है फेरिक आयन और यहां से आता है FeCN6 4- आयन। अब ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, Fe4 FeCN6 3, ये बना देते हैं, और यही हमारा फेरिक फेरोसाइनाइड होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि जब ये फेरिक आता है तो इस फेरिक के साथ एक K+ भी आ जाता है, और यहां पर FeCN6 4- सॉल्यूशन में है ये, तो ये K+ और Fe3+ मिलके +4 4 है, +4 चार्ज है और इस पे -4 चार्ज है। अब ये +4 इस -4 से न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है KFeFeCN6, ये भी प्रशियन ब्लू कलर है और ये भी प्रशियन ब्लू कलर है, सेम है दोनों, तो इसमें हम लोग को ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। K3FeCN6 गलत हो गया, Fe4
एफ़ी CN6 होल थ्राइस सही हो गया, FeOH होल थ्राइस गलत हो गया, KFe FeCN होल 6। अब या तो यहां पे कुछ और होना चाहिए, नहीं तो ये भी सही हो जाएगा। तो सेकंड एंड फोर्थ, इसके दो ऑप्शन सही होंगे। जो बच्चा सेकंड करेगा उसको ही मार्क्स मिलेंगे, जो फोर्थ करेगा उसको ही मार्क्स मिलेंगे, जो दोनों करेगा उसको ही मार्क्स मिलेंगे। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये एनसीईआरटी के पहले पेज पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है कि अगर हमारा जो मेन सेल है ई सेल और हम जो एक्सटर्नल सेल जोड़ते हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उस एक्सटर्नल सेल का पोटेंशियल कम हो मेन सेल से, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर ई सेल और ई एक्सटर्नल बराबर हो तो नो करंट ड्रॉन होता, नो करंट स्टेट, यानी वो सेल का काम ही नहीं करेगा। और अगर ई सेल छोटा हो ई एक्सटर्नल से पोटेंशियल वाइज, तो फिर आपको क्या करना होगा, क्योंकि बाहर से करंट आने लगेगा अंदर की तरफ, और बाहर से अंदर की तरफ करंट आने लगे तो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। तो हमारे लिए जो शर्त है वो कौन सी शर्त पास हो रही है, ये जीरो तो कोई मतलब नहीं है, ई सेल बड़ा है ई एक्सटर्नल से ये होगा नहीं, ई एक्सटर्नल बड़ा है ई सेल से ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फिर से नॉट ट्रू आ गया। तो नॉट ट्रू में पढ़ते हैं, एक एक करके चलते हैं। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड कौन है, ये देखो एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है और इस पे एक्स जुड़ा हुआ है, एरिल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही, जैसे कि अगर मान लो हम इसकी NaOH से रिएक्शन कराएं रूम टेम्परेचर पर और 1 ATM प्रेशर पर, तो नो रिएक्शन होगी। हम सोच रहे थे ये Na यहां जाएगा और X को हटा देगा, और सॉरी OH आएगा, OH आएगा और X को हटा देगा और ये बन जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, ये संभव नहीं हो पाया रूम टेम्परेचर पे। अब OH माइनस इस पे अटैक करता, OH माइनस को प्लस पसंद है, यानी वो न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल आता दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाता, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर सब जानते हो कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर बना देता है, और ये बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए ये संभव नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, या हमें फैक्टर लगाने पड़ेंगे, हाई टेम्परेचर प्रेशर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो ये तो सही है लेकिन हमको नॉट ट्रू चाहिए, इसलिए ऑप्शन में इसको हम नहीं लेंगे। फ्लोराइड एंड आयोडाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ये बिल्कुल ठीक है। फ्लोराइड का प्रिपरेशन अगर करना है तो स्वार्ट मेथड यूज करेंगे, स्वार्ट रिएक्शन, और अगर हमें आयोडाइड का प्रिपरेशन करना है तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन करेंगे। तो ये सही है लेकिन मुझे तो गलत वाला चाहिए। इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन इज कार्बोकैटायन, ये भी बिल्कुल सही है, SN1 में कार्बोकैटायन होता है और SN2 में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है, ट्रांजिशन स्टेज आती है। एरिल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात गलत हो गई। जैसे ये Cl है और यहां पर अगर मान लीजिए कोई NO2+ इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो ये भेजेगा कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे,
अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर सीएल तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से भी कम होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए एक तरह से ये भी बात सही है। लेकिन यहां पर उसने क्या कह दिया, एक्सट्रीमली लेस। अगर एक्सट्रीमली टर्म ना होता और कह देता एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, सही हो जाता तो मेरा ऑप्शन नहीं बनता। लेकिन एक्सट्रीमली लेस वाली पोजिशन नहीं है। एक्सट्रीमली लेस तो तब होती जब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड होता, CHO होता, COOH होता, हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते तो डीएक्टिवेटर हो जाता। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये बहुत इजिली कर सकते हैं। देखिए ये मेथॉक्सी मीथेन है और ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, मेथेनॉल है। अब इसमें बड़े बड़े दो ग्रुप हैं जिनके बीच में रिपल्शन हो रहा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाएगी, लगभग 110 डिग्री तक चला जाएगा। इसमें बॉन्ड एंगल एक तरफ बड़ा ग्रुप है एक तरफ छोटा, लगभग 109 के आसपास आ जाएगा। इसमें बॉन्ड एंगल 160 डिग्री के आसपास या 105 डिग्री के आसपास आ जाएगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा क्योंकि इसमें H छोटा है, यहाँ भी H छोटा है, CH3C6H5 से छोटा है, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, मेथॉक्सी मेथेन से कम फिनॉल, फिनॉल से कम मेथेनॉल, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन इफेक्ट के बेस पे कर सकते हैं। द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड इफ द परसेंटेज ऑफ फॉर्म्ड ऑफ एल्कोहल बिकम्स, तो ये याद रखने वाला है, 15% अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिवन अ येल्लो प्रेसिपिट ऑन वार्मिंग विद सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड एक्वस अल्कली। अब भाई ये तो आइडो फॉर्म रिएक्शन हो गए, आइडो फॉर्म रिएक्शन के लिए हमें CH3COH या CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप चाहिए होता। यहां पर देखिए ये CH3COH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये तो दे देगा, यहां पर CH3C है और OH तो है लेकिन इसके साथ H नहीं है, तो यहां पे समस्या। वैसे भी ये जैसे रिएक्शन करने जाएंगे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये CH2CH3, यहां पर तो प्रोपाइल ग्रुप है CH2CH3 तो ये भी संभव नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, ये ईथर है तो ईथर की कोई पोजिशन नहीं है, तो मोस्ट पहले फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए 68 के बाद फर्स्ट आंसर इसका हम लोग ने कर लिया। ये देखिए ये KMnO4KOH के साथ रिएक्शन होने जा रही है, तो सबसे पहले क्या होगा आप लोग जानते हैं, ये देखिए अब अगर हम लोग ने KMnO4KOH लगाया है इसमें तो KMnO4KOH पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये रिंग यहां से ब्रेक होनी चाहिए थी, लेकिन ये रिंग यहां से ब्रेक नहीं होगी क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो ये वाला बॉन्ड आप करिए ब्रेक। यहां से और ये बन जाएगा HCOH और ये बन जाएगा CEOH, क्योंकि KMnO4KOH प्रेजेंस में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिर ये CH3 को भी जैसे हम लोग इटार्ड रिएक्शन में पढ़ते हैं कि CH3 हमारा बेंजल्डिहाइड तक जाता है और KMnO4KOH की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग ने इसको यहां से तोड़ दिया
और इसको कर दिया है OH, और क्योंकि KOH था इसलिए यहां पर आ जाएगा O-K+, और यहां पर COO-K+ आ जाएगा। ये हमारा इंटरमीडिएट बना, जो फर्दर ये फर्स्ट स्टेप हमने यूज किया था। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां एच यहां ओ एच, यहां एच यहां ओ एच, ये कंपाउंड बन जाएगा। यानी ये होगा हमारा ए। यहां पर सी एच टू सी ओ एच हो नहीं सकता, सी एच टू ओ एच हो नहीं सकता, सी ओ एच सी ओ एच हो सकता है, और ये तो वह एज इट इज आ गया। तो थर्ड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये एच वी जेड रिएक्शन आपने पढ़ी है, जो अल्फा कार्बन होता है उस पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि ब्रोमिनेशन होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा हम लोग यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन दी हुई है, ये COH आ जाएगा और यहाँ अल्फा पोजीशन पे मेरा ब्रोमो ग्रुप आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक बेंजीन, बेंजीन में हम लोग ने कराया है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कराया, NO2 आ गया। अब इसके आगे हम लोग ने कराया है ब्रोमिनेशन, लुईस एसिड Fe की प्रेजेंस में। अब हम लोग सब लोग जानते हैं NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो बी आर यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग ने FeHCl के साथ कराया, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे NCERT में SnHCl दिया गया है, लेकिन आप FeHCl भी यूज कर सकते हैं। तो FeHCl रिएक्शन करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन निकालेगा, वो NO2 को रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस करने पर यहां पर NH2 आ जाएगा। अब ये जो NH2 आ गया मेरे पास, अभी हम लोग लिख लेते हैं कौन क्या है भाई। ये हमारा था ए और बी हमारा ये था और सी हमारा ये है। अब आगे हम लोग रिएक्शन NaNO2 से इसकी करा रहे हैं, रिएक्शन NaNO2 से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। HCl पहले से ही है, तो NaNO2 और HCl मिलके HNO2 बना देगा, HNO2 डायजोटाइजेशन करा देगा। तो सर मेरे को मिल जाएगा N डबल बॉन्ड NCl, या सीधा सीधा N2+Cl लिख लेते हैं, और ये Br अपना जैसे था वैसे रहेगा। अब इसमें CuBrHBr से रिएक्शन करा दी, सैंड बियर रिएक्शन, CuBrHBr से रिएक्शन करा दी, ये हमारा बना है D। अब E बनाने जा रहे हैं, तो क्या होगा सर? ये डायजोनियम ग्रुप हट जाएगा, यहाँ ब्रोमो आ जाएगा और यहाँ भी ब्रोमो आ जाएगा। इस तरीके से मेरा अब बन गया कौन सा ऑप्शन? नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनलीन दिया है और उसका नाइट्रेशन करना है, एनसीईआरटी से हम लोग ने लिया है ये क्वेश्चन। हम लोग को मालूम है कि जो एनलीन है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो NH2 में यहां पर NO2 आ जाएगा और यहां पर NO2 आ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन जो NH2 ग्रुप है ये एसिड के H+ से भी रिएक्शन कर लेता,
और बेटा NH3+ बना देता है, और NH3+ हमारा एनिलियम आयन है, एनिलियम आयन, ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसलिए अब क्या होगा कि ये कुछ पार्ट लगभग 48% के आसपास मेटा डायरेक्टिंग भी हो जाएगा। तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा मीन्स मेटा प्रोडक्ट बना देगा, तो तीनों बनेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है पैरा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन हो सकता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन ये भी हो सकता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो सिंपल सी बात है एनिलीन पे अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं, क्योंकि एनिलीन का NH2 ग्रुप हाईली एक्टिवेटर होता है, तो अगर आप ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो ये 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मिल जाएगा। तो हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एन ये हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, सेकेंड सही हो जाएगा। ये डाई एजोटाइजेशन की रिएक्शन के साथ साथ डाई बनने वाली रिएक्शन है, तो इसमें हम लोग जब NH2 की ये सब लोग ने रिएक्शन पढ़ी हुई है, ये हम लोग ने ले लिया है NH2 की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराई, तो मुझे N2+Cl- मिल गया। अब मैं इसकी रिएक्शन फिनॉल से कराऊंगा, और फिनॉल से जब कराऊंगा तो पीएच मुझे 8 to 9 के आसपास लेना पड़ेगा, यहाँ पीएच नहीं दिया गया है कोई बात नहीं, और यहाँ पर हमारी एक डाई फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन में फिनॉल का पैरा हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये सर हमारा यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, और HCl रिमूव होने के बाद मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए ये एक ऑरेंज कलर की डाई मुझे मिल जाएगी, तो इसमें देखिए कोई स्ट्रक्चर मैच कर रहा मेरा, यहाँ पर 2OH आ गए ये सही नहीं है, यहाँ भी 2OH आ गए सही नहीं है, यहाँ पर 1OH पैरा पोजिशन पे आ गया ये सही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी 3 लिख गया लेकिन ये फोर्थ है, अंडरस्टूड बात है, तो ये वाला थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसरेशन रीजन का है, एसरेशन ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड फॉर्म 1-bromobutane, बिल्कुल सही बात है, इसमें खैरिश इफेक्ट लगेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ लगेगा, ये हमारा ब्यूटीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपने HBr की रिएक्शन कराई पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 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 Br बन जाएगा, और ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड रिएक्शन है, CH3 CH2 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 Br, यानी 1-bromobutane बन रहा है। ओके, रीजन इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एरिल फ्री रेडिकल, एरिल फ्री रेडिकल का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा है यहां पे, तो रीजन गलत हो गया, तो एसरेशन सही, रीजन इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए, तो ये 75 का थर्ड ऑप्शन हम लोग मानेंगे। तो अभी तक आपने 51 से 75 क्वेश्चन हमारे साथ किए, अब इसके आगे आप डिस्कस करेंगे विजय बहादुर सर के साथ। थैंक यू बच्चों। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 76, the angle between the overlapping of 1s orbital and 1p orbital, बहुत सिंपल है बेटा, 1s orbital 1p orbital बेटा ओवरलैप करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा sp,
और एसपी में बेटा दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने एंगल पर होते हैं, 180। तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा बेटा किसी को। तो बेटा इसका आंसर हो गया आपका 76 का थर्ड। आइए बेटा 77, बेंजीन डज नॉट डिकलराइज एल्कलाइन KMnO4। देखो बेटा ऐसे कंपाउंड जिनमें बेटा अनसेचुरेशन होता है, लाइक एल्कीन एल्काइन, एल्काइन KMnO4 के पिंक कलर को बेटा कलरलेस कर देते हैं या चेंज कर देते हैं कलर को, पिंक से वॉयलेट कर देते जो भी है, तो यानी बेटा डीकलराइज करते हैं बेंजीन, सॉरी अगर बेटा एल्कीन है या बेटा एल्काइन है यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो बेटा आपको अगर हाइड्रोकार्बन में अनसेचुरेशन पता करना है तो हम लोग बेटा एल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं। तो बेटा अनसेचुरेशन टेस्ट है ये, लेकिन बेंजीन में बेटा तीन डबल बॉन्ड है, आपको क्या लगेगा हाईली अनसेचुरेटेड है, ये भी जस्ट लाइक एल्कीन और एल्काइन बेटा एल्कलाइन KMnO4 को डिकलराइज करेगा, लेकिन बेटा ये ऐसा नहीं करता है। ठीक, तो बेटा बेंजीन डिकलराइज नहीं करता और कारण बेटा सबको मालूम है, वही लिखा हुआ है, बेंजीन में बेटा तीन डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, इनमें बेटा क्या है रेजोनेंस है, बेंजीन बेटा अपने आप को रेजोनेंस से क्या कर लेता है स्टेबलाइज, इसलिए बेटा वो बिया एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट नहीं करता, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता, अनसेचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। तो बेटा ये भी सही है और ये बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस 77 का आंसर बेटा फर्स्ट ए भी सही है, आर भी सही है और बेटा आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आइए बेटा 78, देखो बेटा आपको क्या चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखा, ये देखो बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसका बेटा डेल्टा एच निकालना, देखो कैसे मिलेगा आपको, बेटा कार्बन चाहिए पहले में है, एक मोल चाहिए, एक मोल है बेटा पहली रिएक्ट को एज इट इज रखा। अब देखो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए बेटा सेकेंड में है, हमको किधर चाहिए राइट में, उसमें बेटा लेफ्ट में, रिवर्स करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन हमको बेटा एक मोल चाहिए, यहाँ दो मोल है तो दो से बेटा क्या करोगे डिवाइड। अब बेटा इसका एलसीएम ले लो 2, तो एलसीएम लोगे तो -2x + y, ये हो गया y - 2x/2। 78 का आंसर बेटा फर्स्ट। अब आइए बेटा 79, एसिडिक मीडियम में बेटा याद रखो KMnO4 बेटा कन्वर्ट होता है MnSO4 में, +7 से ऑक्सीडेशन नंबर बेटा किसमें कन्वर्ट होती है +2 में, +7 से +2 आंसर फर्स्ट। अगर बेटा इसकी बैलेंस इक्वेशन देखोगे ना तो ये होती है 2KMnO4 + 3H2SO4 एसिडिक मीडियम के लिए, 5H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ये बेटा रिएक्ट करता है यहाँ पे, K2SO4 बनता है, MnSO4 बनता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2, 5 × 2 = 10 कार्बन, 10 CO2 और बेटा 8H2O, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, इसको बेटा याद रखो, ये रिडॉक्स की बैलेंसिंग में हर दूसरे तीसरे साल पूछी जाती है, NCERT में भी दी हुई है। आइए बेटा नेक्स्ट 80, मेजर प्रोडक्ट, देखो बेटा ये आपका क्या है, ये आपका बेटा एरोमेटिक ईथर है OC2H5। ठीक, देखो बेटा यहां पर लोन पेयर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर बेटा रिंग के अंदर जा रहा, रिंग बेटा क्या हो रही एक्टिवेट, तो बेटा ये आपका OC2H5 क्या है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है, तो बेटा आर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, तो आपका बेटा प्रोडक्ट क्या होगा आर्थो वाला और पैरा वाला, और आप सबको मालूम है आर्थो और पैरा में बेटा मेजर कौन होता है पैरा, तो 80 का आंसर बेटा सेकेंड। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट, तो देखो बेटा 20% कंप्लीट हो रहा 10 मिनट में, 80% का टाइम पूछ रहा,
तो देखो बेटा, पहले 20% के लिए जरा हम के का फॉर्मूला लगाए, 2.303, टी बेटा कितना 10, लॉग परसेंटेज बेटा जब भी दिया हो इनिशियल अमाउंट 100, 20 कंप्लीट तो बचा बेटा कितना 80। ठीक, अब जरा 80% के लिए आइए, के 2.303, आपको बेटा ये टी 80 निकालना है, लॉग ये बेटा 100 एज इट इज, अब ये बेटा हो गया 20। देखो बेटा कंसंट्रेशन पे के डिपेंड नहीं करता, तो इक्वेशन वन का के इक्वेशन टू का के बेटा सेम है, तो आप डिवाइड कर दो बेटा इसको या इक्वेट कर दो, तो 2.303 कैंसिल हो गया, ये बेटा हो गया 1/10, 1/10 लॉग, ये आप इसको 5 कर लो, इसको बेटा 4 कर लो, लॉग 5 माइनस लॉग 4 कर लो, इधर बेटा क्या बचेगा 1/T80 लॉग 5 माइनस ये लॉग 5 हो गया बेटा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू रख लो 1/10 लॉग 5 की वैल्यू होती बेटा 0.7 और लॉग 4 की वैल्यू होगी 0.6, इधर बेटा 0.7/T80 हो गया। अब इसको और सॉल्व करो बेटा, ऊपर बेटा देखो 0.1/10 इक्वल टू बेटा 0.7/T80 हो गया, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, टी 80 बेटा कितना हो गया लगभग 70 मिनट के आसपास, तो बेटा 70 के आसपास हमने बहुत राउंड फिगर में लॉग की वैल्यू ली है ना, तो 81 का आंसर बेटा सेकेंड, आप इसको सॉल्व करोगे तो 81 का आंसर सेकेंड आ जाएगा। आइए बेटा कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन विद वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, बेटा क्या होता है h/mv, तो बोलो m निकालना है, तो h/ बेटा क्या हुआ लैम्डा इंटू वी, एच की वैल्यू बेटा सबको मालूम है 6.62 × 10⁻³⁴, लैम्डा बेटा देखो आपको एंगस्ट्रॉम में दिया, मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻¹, और बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, देखो बेटा यहाँ फोटोन लिखा है, फोटोन मतलब लाइट, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸, अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका देखो क्या आएगा, देखो इधर यहाँ पर देखो -2 बचा, ऊपर जाएगा +2, नीचे बेटा 6.62/7.8 हो गया, × 10⁻¹ बेटा माइनस हो गया आपका 32। ठीक, इसी को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 66.2 × 10⁻³³ अपॉन बेटा 7.8, इसको अगर हम 8 मान ले, 8 × 48 = 64, 8 के आसपास आ जाएगा बेटा, देखो पावर है, आप मेन पावर मैच कराया करिए, 82 का 2 हो गया, 83 देखो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो बेटा फर्स्ट ग्रुप में अगर आप हैलाइड ले रहे हो LiCl, यहां पर देखो बेटा Li प्लस है, NaCl Na प्लस, KCl K प्लस, और बेटा RbCl Rb प्लस, तो आप सबको मालूम है बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक करेक्टर बेटा क्या होता है बढ़ता है, क्योंकि साइज बेटा केटायन का बढ़ रहा, तो लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा, आप सबने बेटा कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड पढ़ा होगा, जितना छोटा केटायन का साइज जितना बड़ा एनायन का साइज कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा, तो लिथियम क्लोराइड बेटा क्या होगा कोवेलेंट, और इन चारों में अगर मोस्ट आयनिक पूछता तो बेटा RbCl, टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा आयनिक करेक्टर क्या होता है बढ़ता है। ठीक, और आप सबने बेटा फजान रूल पढ़ा होगा कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड स्मॉलर इज द साइज ऑफ केटायन, जितना केटायन का साइज छोटा एनायन का साइज जितना बड़ा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा, अब जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बेटा केटायन का साइज और घटता है कोवेलेंट करेक्टर बेटा और बढ़ता है। 84 आइए, विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, आप सब बेटा बायो के स्टूडेंट हो, ये सब तो आपको पढ़ते ही आ जाएगा, हमसे ज़्यादा बायो बेटा आपको आती है, विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी बिल्कुल सही है,
और विटामिन डी बेटा फैट सॉल्युबल है, ये भी सही है। ठीक, तो दोनों बेटा सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। 85 है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू। आपने हेनरी लॉ पढ़ा होगा, मास ऑफ गैस डिजॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखो बेटा, हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक, हाई एल्टीट्यूड पर यानी पहाड़ों पर बेटा प्रेशर कम होता है, इसलिए बेटा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती है। 85 का सेकेंड नंबर ऑफ सिग्मा, जिसका बेटा स्ट्रक्चर आप सबको मालूम होना चाहिए। देखो, चार फास्फोरस बेटा ऐसे लगा लिख लो। फास्फोरस बेटा मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? पांच। हर जगह बेटा एक एक डबल बॉन्ड बना दो। फिर बेटा हर फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो। देख लो बेटा क्लियरली क्या दिख रहा है। ईच फॉस्फोरस बेटा, देखो ये बेटा सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, पाई है। तो एक फॉस्फोरस पे, ईच फॉस्फोरस के पास बेटा क्या दिख रहा है? 4 सिग्मा 1 पाई। तो चार फॉस्फोरस है बेटा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा? 16। और पाई बॉन्ड बेटा कितने हो गए? 4। तो बेटा 86 का 4। 87, इन करेक्ट स्टेटमेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा ये वर्क डन का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला, लेकिन बेटा अगर यही ई रिवर्सिबल हो या आइसोबेरिक हो तो डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट भी बेटा बिल्कुल सही है। ये बेटा इससे आया है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। देखो यहां पर अगर ये माइनस होता ना तो ये आपका सही हो जाता, ये बेटा गलत इसलिए क्योंकि ये माइनस है। तो आपका आंसर बेटा क्या होगा? सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये गलत है। देखो बेटा क्यों, देखो आपको मालूम है डेल्टा जी नॉट का एक फार्मूला होता है माइनस आर टी एल एन के, दूसरा बेटा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब दोनों को बेटा बराबर करोगे, तो दोनों को बराबर करोगे तो देखो बेटा एल एन के माइनस एल एन के बराबर क्या आएगा? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी। देखो ये आपके डिनोमिनेटर में लिखा है, देखो ये आ गया ना, लेकिन ये किसके बराबर है? माइनस एल एन के, जबकि यहां पर बेटा क्या है? माइनस नहीं है, इसलिए बेटा ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए था। तो 87 का आंसर बेटा सेकेंड। 88 आइए, दो लिक्विड ए एंड बी आइडियल सॉल्यूशन कब बनाते हैं? जब बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग बेटा क्या हो? जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो? जीरो। लाइक फोर्स बेटा क्या हो? अनलाइक फोर्स। और बेटा राउल्ट्स लॉ शुड बी ओबेड, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए हो, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी हो, और पी टोटल पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसके अलावा बेटा जब ए और बी को मिलाए नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, मिक्सिंग पे बेटा कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग बेटा जीरो नहीं होता। ठीक, आइडियल में बेटा डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो नहीं होता, ग्रेट लेस देन जीरो होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है डेल्टा जी, और बेटा एंट्रोपी चेंज भी आपका जीरो नहीं होता। तो इसका आंसर बेटा 88 का फर्स्ट। 89, 2 फैराडे। बेटा सिंपल याद रखो, 1 ग्राम इक्वलेंट 1 फैराडे। तो 2 फैराडे से बेटा कितना मिलेगा? 2 ग्राम इक्वलेंट। 1 ग्राम इक्वलेंट बेटा क्या होता है? इक्वलेंट वेट इन ग्राम। कॉपर देखो यहां पर बेटा क्यूप्रिक के फॉर्म में है, सीयू डबल प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें जा रहा? सीयू। इक्वलेंट वेट बेटा क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 2, 31.75।
एक ग्राम इक्वलेंट बेटा कितना हुआ 31.75, तो 2 फेराडे से 2 × 31.75 63.5। ये तो हमने बेटा डायरेक्ट कर दिया, बाकी आप फार्मूला लगा दो। W अपॉन E बेटा Q अपॉन F, बोलो W निकालना है, E बेटा कितना आया 31.75, कितना चार्ज दिया 2 फेराडे या F, जिससे बेटा आपको सही लगे सॉल्व कर लो। 89 का 4 90 इन कॉन्टेक्स्ट विद ट्रांजिशन एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाई दीज एलिमेंट। बिल्कुल सही है, आप बेटा निकिल कार्बोनिल ले लो, मेटल कार्बोनिल में बेटा मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जीरो। तो देखो बेटा कॉम्प्लेक्स में बेटा जीरो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल शो बेसिक कैरेक्टर, गलत। जैसे बेटा KMnO4 है, ठीक है ना, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +7, हाइएस्ट में बेटा बेसिक नहीं शो करता, एसिडिक शो करता, क्योंकि बेटा बेसिक शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जबकि बेटा हाइएस्ट ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन देने की पोजीशन खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लेने का रास्ता खुला होता है, तो ये बेटा गलत है। इन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट स्कॉन्डियम ऑल द 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, सही है बेटा। आप बेटा 4s भी यूज होता है, 3d भी यूज होता है, क्योंकि स्कैंडियम की +3 है, स्कैंडियम की +3 है, तो बेटा 4s2 भी यूज होता है, 3d1 भी यूज होता है। अब KMnO4 में Mn बेटा क्या है, +7 है, तो 3d5 भी यूज हुआ, 4s2 भी यूज हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। Once the D5 configuration exceeded the tendency involved, all the 3D electron in bonding decreases, सही है बेटा। तो 90 का बेटा पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर बेटा आपका क्या है, सेकेंड। तो पहला तीसरा चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। 91 degenerate orbital CR +3, देखो बेटा CR +3 है यहाँ पे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D5 4S1, अब बेटा CR +3 बताओ बेटा क्या होगा, 3D3 होगा, 3 इसका अगर वो देखोगे तो बेटा T2G3 होगा और EG बेटा क्या होगा, 0। अब इसको बेटा आप भरोगे तो देखो 1 2 3, ठीक है ना, ये बेटा क्या होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, ठीक। तो इन्होंने क्या पूछा है, डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होगा, एक्स वाई वाई जेड डी जेड, तो आंसर बेटा 91 का फर्स्ट, डी जनरेट ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। ब्राउन रिंग परफॉर्म, ये तो सबको याद होगा, क्वालिटेटिव डिटेक्शन में बेटा ब्राउन रिंग किस में बनता है, नाइट्रेट में, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए बेटा CH2 एल्कीन में बेटा HCl जोड़ रहे, पहले बेटा कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल H+, आप सबको मालूम है एल्कीन में HCl बेटा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसमें बेटा H+ जोड़ोगे आप तो पहले बेटा क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, तो देखो यहां पर बेटा H, ये CH3 आएगा, यहां पर ये हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है बेटा, आप दो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप बेटा यहां पर यहां पर बेटा CH2+ कर दो, यहां पॉजिटिव सॉरी यहां पर बेटा आप अपना H जोड़ दो। अब देखो ये बेटा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री का, तो ये वाला हम छोड़ देंगे, हम ये वाला लेंगे। अब इसमें बेटा क्या जोड़ोगे, Cl, तो Cl ये नहीं डबल बॉन्ड, यानी एक मिनट, ये अंदर बेटा डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक। तो देखो बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहले H+ जोड़ा, देखो दो पॉसिबल कार्बोकेटायन बना दिया बेटा, इससे क्या मिलेगा मेजर, इससे क्या मिलेगा माइनर, ऑर्गेनिक में हमेशा बेटा हम लोग क्या लेते हैं, मेजर, तो
अब बेटा देखो ये आपका CH3 एज इट इज रहा, यहां पर बेटा क्या आ गया Cl, तो आंसर बेटा आपका सेकेंड। 94 कंपाउंड विथ रिएक्ट फास्ट ल्यूकास रिएजेंट, बोलो ल्यूकास रिएजेंट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, इंटरमीडिएट बेटा क्या होता है कार्बोकेटायन, तो बोलो बेटा ये किस डिग्री का है 1 डिग्री का, ये बेटा क्या है 2 डिग्री का, ये बेटा क्या है 3 डिग्री का, ये बेटा क्या है 1 डिग्री का, तो आंसर बेटा क्या हो गया फोर्थ। 95 एस्प्रिन इज एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ, जब बेटा सैलिसिलिक एसिड आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ठीक है ना, इसका बेटा एसिटाइलेशन करते हैं CH3COCl से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो देखो ये एसिड है एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट कौन करेगा बेटा अल्कोहल, तो ये बेटा COOH एज इट इज, यहां बेटा क्या होगा ओ एस्टर बना दो, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एस्प्रिन, पेन किलर है, तो आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देखो ये गलत क्यों है यहां डाई हाइड्रोक्सी इसलिए गलत है बेटा। 95 का हो गया फर्स्ट, आइए 96, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देखो बेंजोइक एसिड में जो COOH लगा हुआ है ठीक है स्ट्रॉन्ग बेटा डीएक्टिवेटिंग है, ये रिंग को बेटा क्या करता है डीएक्टिवेट, इसलिए बेटा ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा बिल्कुल सही है। दूसरा बेंजोइक एसिड फॉर्म सॉल्ट विथ AlCl3, बेटा ये भी स्टेटमेंट सही है, बेंजोइक एसिड AlCl3 के साथ सॉल्ट बनाता है बेटा ठीक है ना, सॉल्ट बनने के बाद अगर इसकी बेटा इसकी रिएक्शन जब CH3Cl से कराते हैं तो मेटा पोजीशन पे बेटा CH3 आ जाता है, लेकिन बेटा वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है ठीक है ना, तो इसका स्टेटमेंट बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन सही है ठीक, बेंजोइक एसिड बेटा AlCl3 के साथ सॉल्ट बनाता है ये भी सही है ठीक, और बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 96 का आंसर बेटा फर्स्ट ठीक है ना, बेंजोइक एसिड AlCl3 के साथ सॉल्ट बनाता है ठीक, और जो बेटा आपका सॉल्ट बनता है जब उसकी रिएक्शन CH3Cl से कराते हैं तो मेटा पर CH3 आता जरूर है ठीक, मेटा पे CH3 आता जरूर है, लेकिन बेटा वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, तो बेटा एसर्शन भी सही है रीजन भी सही है और बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 96 का आंसर बेटा फर्स्ट। 97 देखो बेंजीन की रिएक्शन बेटा क्लोरीन से करा रहे, कौन सी रिएक्शन है बेटा ये हेलोजिनेशन, ESR का एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बोलो बेटा क्या होगा क्लोरीन एक्सेस में लोगे आप तो हर जगह बेटा क्या आ जाएगा Cl डबल बॉन्ड एज इट इज एरोमेटिसिटी एज इट इज रहेगी, तो ये आपका बेटा ए है, तो देखो इसमें है ए बेटा आपको देखो ए पहले पूछा है तो पहले वाला पूछ रहा है, देखो इसमें ये नहीं है ये देखो पहले में है, अब जरा इसमें आओ बी में, देखो जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये बेटा फ्री रेडिकल एडिशन होता है, हर जगह बेटा Cl जुड़ जाता है ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं 666 C6H6Cl6, इसी को बेटा हम लोग गमकसीन इंसेक्टिसाइड कहते हैं, तो देखो ए आपका बेटा ये है बी आपका बेटा ये है, तो आंसर बेटा क्या हो गया सेकेंड। आइए बेटा 98 देखो यहां पर बहुत पूछ रहा कौन सी रिडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, देखो यहां जीरो यहां माइनस यहां जीरो यहां बेटा +2 -2 ये बेटा रिडॉक्स है, देखो यहाँ कार्बन की -4 यहाँ बेटा +4 रिडॉक्स है, यहाँ पर देखो आयरन फेरिक क्लोराइड यहाँ बेटा फेरस क्लोराइड रिडॉक्स है, यहाँ देखो कैल्शियम बेटा +2 कार्बन बेटा +4 ऑक्सीजन बेटा -2 यहाँ कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 कार्बन +4 कहीं बेटा कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही, आंसर बेटा फोर्थ।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो रेट कांस्टेंट दिया है, सिंपल बेटा फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। फॉर्मूला सबको याद होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग आर अप आर जीरो अपॉन आर के बेटा कितना है, वह 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2.303 टी बेटा निकालना है लॉग इनिशियल बेटा 5 फाइनल 3। ठीक, अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, अभी हम लोगों ने किया था, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग 5 की वैल्यू बेटा 0.7 0.48। तो देखो बेटा वो क्या हुआ, टी कितना आया 2.303 इंटू 0.22 हो जाएगा, उसको घटाओगे तो बेटा, और यहाँ 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक, इसको बेटा ऊपर ले जाओ तो 2.303 0.22 इसको आ जाएगा, ये इंटू 220 हो गया अपॉन बेटा 15 हो गया। इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा भाई, इसको अगर आप 15 × 15 का स्क्वायर दो, इसको 15 भी मान लो तो 15 × 2 = 30 से 15 × 3 = 35 बेटा आंसर फर्स्ट आ जाएगा। देखो इसको बेटा अगर आप 15 मान लो तो 15 × 2 = 30 ही हो गया, 15 × 3 = 45 = 34 ही आ गया आपका आंसर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 100 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको बेटा एक ग्राफ दिया हुआ है, आप सबने बेटा आरिनियस इक्वेशन पढ़ी है, ln k इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन rt। अगर बेटा इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ln k वर्सेस 1/t ये होता है, स्लोप बेटा क्या होता है माइनस ea अपॉन r। तो देखो ये बेटा स्टैंडर्ड ग्राफ है, उसी से रिलेटेड ही है, तो क्लियरली बेटा क्या दिख रहा, माइनस ए अपॉन आर स्टैंडर्ड ग्राफ में स्लोप है। आपके में बेटा कितना है 4606, माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो यहाँ से बेटा ए अपॉन आर की वैल्यू प्लस में आ गई। अब देखो बेटा ये क्या कह रहे, हमें क्या निकालना है, 400 केल्विन पर बेटा आपको रेट कांस्टेंट मालूम है, आपको बेटा किस पर निकालना है 500 पे। दो डिफरेंट टेम्परेचर में बेटा आरिनियस इक्वेशन लॉग K2/K1 इक्वल टू बेटा ए अपॉन 2.303 कैपिटल आर 1/T1 माइनस 1/T2। और बेटा यहाँ पर एक करेक्शन है, ये जो 10 की पावर माइनस 1 है ना, ये बेसिकली 10 की पावर माइनस 5 है, यहाँ पर बेटा ये करेक्शन है, अदरवाइज इस वाले से बेटा कोई आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक, अब आइए बेटा लॉग K2/K1 हमको K2 निकालना है, K1 दिया है, ये अपॉन आर बेटा देखो 4606 दिया है, ये बेटा 2.303 हो गया, 1/T1 400 माइनस 1/500। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, देखो लॉग K2/K1 इक्वल टू बेटा 4606 अपॉन 2.303 इंटू ऊपर बेटा क्या बचा 100, नीचे बेटा क्या बचा 400 इंटू 500 देखो ये दो जीरो कैंसिल हो गई, नीचे बेटा इस पूरे को कैंसिल करोगे तो बेटा लॉग K2/K1 ये बेटा 1 आएगा। क्यों, देखो बेटा ये 2000 हो गया, ये 3 डेसिमल हजार के कारण ये पूरा कैंसिल होके 1 आ गया। बेटा K2/K1 क्या होगा, NT log 1, NT log 1 बेटा कितना होता है 10। तो बेटा K2 बराबर क्या आ गया 10K1, 10 K1 बेटा कितना दिया है 10^-5, आंसर बेटा क्या हो गया 10^-4। ठीक है, ये आपका आ गया, सेकेंड इनवर्स यूनिट हो जाएगी, तो आपका आंसर बेटा क्या आया 1×10^-4। तो 100 का बेटा करेक्ट आंसर फर्स्ट है।
अगर बेटा हम इस डाटा से सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ बेटा 10 की पावर माइनस 1 लिखेंगे तब आंसर बेटा, तब K1 की वैल्यू बेटा 1 आएगी, जो बेटा किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ 10 की पावर माइनस 5 लेंगे तो आंसर बेटा फर्स्ट आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका FST केमिस्ट्री का बेटा टोटल डिस्कशन हो गया, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।